हेलो एंड वेलकम टू गप्पर चप्पर। आई एम डॉक्टर स्तुति। सबसे पहले तो आप सभी को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के त्यौहार के बारे में सोचते ही सबसे पहले मन में एक ही पकवान आता है और वो है गुजिया। लेकिन इस होली आप अपनी ट्रेडिशनल गुजिया को दीजिए एक नया ट्विस्ट और हमारे साथ मिलकर बनाइए लौंग लतिका। आइए देखते हैं कैसे बनती है लौंग लतिका। लौंग लतिका बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हम एक पैन में एक चम्मच घी डाल लेंगे और अब हम बारीक कटे हुए मेवों को डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से मेवों का स्वाद भी बढ़ जाता है और ये काफ़ी लंबे समय तक खराब भी नहीं होते हैं। हमारे मेवे रोस्ट हो चुके हैं तो आइए अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमने मेवों को निकाल लिया है, अब हम रवा को सौटे करेंगे। उसके लिए हम आधा चम्मच घी ले लेंगे और आधी कटोरी रवा डाल करके हम उसको हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। सूजी हमारी भून चुकी है, अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम पैन में एक चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम 100 ग्राम मावा डालेंगे। मावा को हम मेल्ट होने तक भून लेंगे। मावा भून चुका है, अब हम इसमें बारीक कटे हुए जो मेवे और रवा हमने सौटे करके रखा था उसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच गरी का बुरादा डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी पीठी शुगर मिलाएंगे जो स्पेशली मिठाइयाँ बनाने के लिए आती हैं। अगर आपके पास पीठी शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर लेके उसको पीस करके पाउडर भी बना सकते हैं। हमारी स्टफिंग बनकर के तैयार है, अब हम मैदे का डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है। इसको मैं वनस्पति घी से मोयन दूंगी। हमने मैदे को मोयन दे दिया है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक हार्ड डो तैयार कर लेंगे। हमने डो बना करके तैयार कर लिया है। लौंग लतिका बनाने से पहले हम एक मैदे का घोल तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक कटोरी में 2 चम्मच सूखा मैदा ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। हमारा घोल बनकर के तैयार है, अब हम लौंग लतिका के लिए चाशनी तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक पैन में 1 कटोरी शक्कर ले लेंगे और आधा कप पानी डालेंगे और शक्कर के घुल जाने तक हम उसको पकाएंगे। शक्कर पूरी तरह से घुल चुकी है तो हम इसको थोड़ा और गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है तो आइए हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारी चाशनी तैयार है कि नहीं। उंगली के बीच में हम एक बूंद चाशनी रख के ऐसे आप टेस्ट कर सकते हैं कि देखिए तार बनने लगा है। आइए अब हम लौंग लतिका बनाते हैं। हमने मैदे का जो डो तैयार किया था उसमें से हम एक लोई लेके उसको बेल लेंगे। हमने इसको गोल बेल लिया है, अब हम इसके बीच में स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब हम इसको रैप करेंगे।
हम इसको एक एक तरफ से उठा करके रैप करेंगे और बीच बीच में हम जहाँ पे ज्वाइंट होगा वहाँ मैदे का जो घोल हमने बना के रखा था वो लगा करके उसको चिपकाते जाएंगे, ताकि जब हम तलें तो हमारी जो लौंग लतिका है वो खुले नहीं। ये हम मैदे का घोल लगा देंगे अच्छे से और इसको उठा के चिपका देंगे। देखिए हमारा लौंग लतिका का पॉकेट तैयार है। अब हम इसके बीच में एक लौंग लगा देंगे और देखिए हमारी लौंग लतिका तलने के लिए तैयार है। इसी तरह हम बाकी की भी लौंग लतिका बना लेंगे। आइए अब हम इसको तल लेते हैं। मैंने यहाँ तलने के लिए ऑयल गरम करके रखा है। अब हम इसमें लौंग लतिका डालकर हल्का गोल्डन होने तक धीमी आंच में तल लेंगे। देखिए हमारी लौंग लतिका तल करके पूरी तरह तैयार है। इसमें एक सुनहरा कलर भी आ चुका है, तो आइए अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारी लौंग लतिका तल करके तैयार है। अब हम इसको चाशनी में डिप करेंगे। इस तरह से हम चाशनी में डिप करके लौंग लतिका को निकाल लेंगे। चाशनी में डिप करने के बाद हम लौंग लतिका को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लीजिए हमारी लौंग लतिका बन करके तैयार है। अब आप लौंग लतिका को अपने मेहमानों और परिवार वालों के लिए सर्व कर सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।